नमस्कार भाई लोग, हम खेसारी लाल यादव रोज सबके भाई, रोज सबके बेटा, रोज सबके भतीजा, पैर छू के प्रणाम करता नहीं। आज जमाने विवाद चलता, हमके गाली देवे वाला जे भी बा, वो भाई के तो हम पैर छू के प्रणाम करता नहीं। शायद वो ब्राह्मण नहीं, वहाँ के हम नहीं जानत कि वहाँ के हैं, लेकिन वहाँ के माँ बाप के भी हम प्रणाम करता नहीं। कि हर माँ बाप के दायित्व बनता अपना बेटा के अच्छा शिक्षा देवे के, चाहे उनका बात खातिर जे भी सपोर्ट करे ना करे, और हमारा खातिर भी कोनो जिला मायने नहीं रखत। हम तो जानते नहीं कि वो के हवे, कहाँ से हवे, कैसे हवे, और उनकर नाम का है। कैसे कि हम तो शूटिंग पर रहनी, हमके तो बॉम्बे हम आज पहुँचल बनी, और हमके पता चला कि ऐसा ऐसा विवाद बा। ऐसे फ़ोन बहुत सारा आयल हमके भी, लेकिन हमके गाली दे के अगर केहू आगे बढ़ जाता तो हमके दुख नहीं हो बात के। हमके खुशी बा जे हमके गाली दे के अगर पल भर खाती केहू के खुशी मिलता, वो गाली देवे वाला के बढ़ावा देवे के अगर पल भर खाती खुशी मिलता, तो हम चाहब कि हमके और गाली केहू दे देव और वो खुश हो जाओ और ओकर तरक्की मिल जाए। लेकिन बुरा तरीका से कोई भी चीज़ ये दुनिया में आज आगे ना बढ़ल बा और ना ही शायद बढ़ी। और हम एगो गरीब परिवार के लड़का हैं, हम भई सरा के यहाँ तक ले पहुँचल बनी। हम कहाँ हैं कहाँ ना ही पूरी दुनिया जाना था हमके। भाई लोग जे भी बा, अभी हम जवाब ना दे पाए, अभी हम रोलन से बात करता नहीं। कैसे कि कहीं ना कहीं हर आदमी जाति प्रथा के बात करता, केहू राजपूत था केहू जादू है। और हम भी कहल चाहता नहीं कि देखिए हम कलाकारन के कोई जात ना होला, और ना ही कभी कलाकार जात से ऊपर आवेला। हर जात हर जिला ओकरा खातिर बराबर बा। हम जेकरा के नहीं खी जाना तो ओकरा से बातें नहीं खी कैले, पता नहीं हमारे में मेकरी की कैले बा, हमके खुद समझ में नहीं क्या आवत। हम सुना नहीं रिकॉर्डिंग, तो हमके खुदे समझ में ना आई कि हमने की बोलल। और हम तो जानते नहीं कि के हाँ कहाँ के हाँ कैसे हाँ। और बहुत सारा विवाद, मैंने इतना विवाद बाबे कि का बताई हम, और हम कहाँ सफाई दें सबके। लेकिन हाँ ही जरूर कहब कि गलत चीज़ के केहू भी बढ़ावा देता, और जे भी बढ़ावा दिले बा, देखिए हमारे बड़ भाई हैं वहाँ के, और हम वहाँ के भी रिकॉर्डिंग सुन ले बनी। वहाँ के हमारे बड़ भाई हैं और हम वहाँ के गार्जियन मानी ले और आजीवन मानब, और आजीवन हमारे नज़र में उनकी छवि एक भगवान की तरह होगी। वो मेरे सीनियर हैं और मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि एक जीवन उनको देख कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वो हमारे लिए एक बड़े भाई हैं, मेरे गार्जियन हैं। और मैं अपने गार्जियन, अपने जिस तरह पापा को गार्जियन मानता हूँ, उस तरह अपने बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी को गार्जियन मानता हूँ, मनोज तिवारी जी को मानता हूँ, हमारे रवि भैया को मानता हूँ, पवन भैया को मानता हूँ। तो ये लोग, इन लोगों से मैं बहुत छोटा हूँ अभी, इन लोगों से सीखने की ज़रूरत है मुझे। मैं इन लोगों से सीख कर ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं इनकी फिल्मों को देख कर मैं आज यहाँ तक बढ़ा हूँ। आगे जहाँ जितना भी हूँ, जैसे भी हूँ, मेरे पब्लिक और मेरे गार्जियन और मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार, मेरे दोनों बच्चों की कहीं ना कहीं दुआएं हैं। आप सबका प्यार है, आप सबकी मोहब्बत है। मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे खून में ऐसा नहीं है कि मैं किसी को गाली दूं, और ना ही किसी के गाली का बढ़ावा दूं। मेरे ऐसे खून में नहीं है। और जीवन में मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि बेटा, गलती करने वाला से ज़्यादा वो गुनहगार होता है जो गलतियों पर पर्दा डालता है। और क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है ये गलत हो रहा है। चाहे जो भी इंसान के बारे में ऐसी बोली जा रही है, चाहे वो कोई लड़की हो या कोई लड़का हो या कोई स्टार हो या कोई नॉन स्टार हो, हर आदमी की एक प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होती है। हम रास्ते में चलने वाली लड़कियां, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी गर्लफ्रेंड ही हो, वो हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है। देखने वालों की नज़रिया बदल जाती है कि वो किस नज़र से उस चीज़ को देख रहा है। तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग लड़ना बंद कर दीजिए। और गलत तरीके से किसी को गाली देकर अगर दुनिया में आगे बढ़ना होता तो हर आदमी गाली देकर ही आगे आ जाता, और गाली देकर ही प्रधानमंत्री लोग बन जाते। स्टार की तो बात ही हटा दीजिए, लोग मंत्री बन जाते। लेकिन गाली देने से दुनिया ना मंत्री बन सकती है और ना ही कोई स्टार बन सकता है। स्टार तो वो बनता है जिसको पब्लिक को प्यार मिलता है। मैं स्टारडम का आज तक जानता ही नहीं कि स्टारडम होता क्या है। मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीता हूँ, आज भी जीता हूँ, और आप लोग को भी पता है कि मैं भैंस चराने वाला आदमी हूँ, लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ लिट्टी चोखा बेचा हूँ, अपने बच्चों के साथ बड़ा खुश रहता हूँ, और मेरे जीवन में दो बच्चे हैं मेरे। मैं क्या हूँ क्या नहीं है पूरी दुनिया जानती है। और ज़िंदगी में जो भी मेरे साथ होता है, कोई भी जो भी बढ़ावा दे बोले, जो भी, वो लोग मेरे बड़े भाई हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता कि उन्होंने क्या किया। उनका हर लफ्ज़ मेरे लिए आशीर्वाद के तुल है, मेरे लिए शिक्षा का तुल है, और मैं उसको एक ज्ञान समझ के अपने अंदर डालता हूँ। मेरे लिए हर वो कास्ट मेरा भाई है, मेरा पिता तुल है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, क्योंकि मेरे लिए भी कोई कास्ट मायने नहीं रखता, क्योंकि सिर्फ यादव कुल के लोग ही मुझे
नहीं पसंद करते और ना ही मुझे प्यार देते हैं। हर कुल के लोग मुझे पसंद करते हैं, हर जिला के लोग, और मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन आदमी है, उसका कहाँ घर है, क्या नाम है, उसने क्या गाया है, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं। मुझे तो दो दिन पहले ये सब मैटर पता चला, मेरे भाई सोनू हैं जिन्होंने मुझे बताया कि भैया ये सब चीज़ें मैटर बनी हुई है और ये बहुत ज़्यादा हाइप हो गया है और बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी लड़की, किसी भी औरत, किसी के भी माँ बहन हो, और मैं क्या हूँ दुनिया जानती है, मैं गरीबों से प्यार करता हूँ, अमीरों से प्यार करता हूँ। मेरे लिए, क्योंकि मैं गरीबों की दर्द तब जानता हूँ क्योंकि मैं एक लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी कितना गरीब हो सकता है आपको भी अंदाजा होगा। और मुझे, मैं आज तक किसी की प्रतिष्ठा के साथ खेलने का काम नहीं किया और ना ही मैं किसी को बढ़ावा देता हूँ। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आप सबके बदौलत पहुँचा हूँ। मैं आज भी बोलता हूँ, हर स्टेज पर बोलता हूँ, हर दुनिया के लोग मुझे प्यार करते हैं, हर जगह के जहाँ भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग हैं मेरे लिए, मेरे नज़र में मेरे पिता के समान है, मेरे और पिता का भगवान से भी दर्जा ऊपर होता है, गुरु तुल्य सब होते हैं। इंडस्ट्री में जितने भी स्टार हैं सबसे मैं नीचे हूँ। मैं स्टार हूँ या नहीं हूँ ये मुझे पता नहीं है और मुझे पता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ये स्टार्डम हमारे काम में दिखे ही तो अच्छा है। और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है, उछल कूद होता है, कौन कहाँ था, कैसे था, क्यों था, किस लिए था, ये उस पर छोड़ दे तो शायद हमारे लिए बेटर है। कौन कहाँ है, क्यों है, कैसे है, उसकी अपनी ज़िंदगी है और सबको अपने जीवन जीने का पूरा हक है उसको जीने का। क्योंकि देखिए, हमारे माँ बाप जब हमें पैदा करते हैं तो उस पल तक हक होता है, जब शादी कर देते हैं तो एक बीवी का भी हक आपे हो जाता है, जब बच्चे होते हैं तो एक बच्चों का भी हक आपे हो जाता है, तो उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके साथ हो जाती है। तो हर आदमी को अपने जीवन जीने का पूरा हक है और मेरे भगवान तुल हैं आप लोग। मेरे लिए मंदिर मस्जिद कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए मेरे भगवान मेरी पब्लिक है, जिसके लिए मैं आज दिनों रात मेहनत करता हूँ, दिनों रात धूप में जलता हूँ, आप सबके प्यार के लिए, आप सबके मोहब्बत के लिए, आप सबके इंजॉय के लिए। मैं अभी फिल्म कर रहा था, मैं सेहरा बांध के आऊँगा, उसी के शूटिंग पे था मैं, कल आया हूँ मुंबई। तो मेरा भाई सोनू ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये सब चीज़ें मैटर चल रही है भैया। किसी की भी लड़की हो, किसी की भी माँ बहन हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी को नाम लेकर आप लोग गाना गाइए, बहुत आगे बढ़िए। मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए कि आप इतने आगे बढ़िए। मेरे से कोई सहयोग आपको लगता है कि मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा अगर मेरा सहयोग कर सकता है, तो आपका बेटा, आपका भाई मुंबई शहर में एक छोटा सा खोली में रहता हूँ मैं, बहुत बड़ा सियाना नहीं है मेरा, मेरा अपना जीने के लिए एक घर काफ़ी होता है इंसान के लिए। 75 घर ले लेने से आदमी बड़ा नहीं होता, उसका दिल कितना बड़ा है, उसके दिल में कितने रहने वाले लोग हैं, ये काउंट करता है हर इंसान के लिए। तो ज़िंदगी में माँ बाप जो सिखाते हैं वो अच्छे के लिए सिखाते हैं। मैं आपको सिखाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि मैं आप सबसे सीखता हूँ। मुझे सिखाने वाले यहाँ जो स्टार हैं हमारे, दिनेश लाल भैया, रवि भैया, मनोज भैया, पवन भैया, ये लोग मुझे सिखाते हैं। इनके फिल्में देख कर मैं सीखता हूँ, कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग मेरे बड़े भाई हैं। ये लोग मेरे लिए अगर कुछ भी बोलते हैं, इनके मेरे लिए कोई भी कमेंट आता है तो मेरे लिए सर्वोपरि है और उनका सम्मान है कि वो अगर कुछ भी मेरे लिए बोलेंगे तो मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। और ज़िंदगी में छोटा बन के रहना ही दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर है, और जो छोटा बन के जो झुकता है वही आशीर्वाद पाता है। खड़ा होकर आज तक ना एक ताड़ होता है जो फल तो देता है लेकिन नशा देता है वो, और वो किसी को छाया नहीं देता। मैं लीची बन के रहना चाहता हूँ और मैं आज भी लीची हूँ, और एक पेड़ की तरह मैं झुक के रहना चाहता हूँ आप सबके चरण के लिए, आप सबका चरण छूना चाहता हूँ और छू के ही आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ आप लोगों ने दिया है, मैं बस एक चीज़ आप सबसे निवेदन करके बोल रहा हूँ कि आप सब अगर कुछ देना चाहते हैं अपने इस भाई, अपने बेटा को, तो एक चीज़ ज़रूर दीजिए, किसी के नाम को लेकर किसी को गाली दे देना, किसी को अगर आपको आगे बढ़ना है तो अच्छे चीज़ें गाकर आप आगे बढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बुरे काम करके ही आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो इस धरती पे ना भगवान होता और ना ही कोई संत होता और ना ही रामायण होता ना ही गीता होता। आज गीता पढ़ के भी दुनिया को शिक्षा देती है और भगवान के रूप हो जाती है। एक आदमी किसी का चिट्ठी पहुंचा देता है और भगवान के स्वरूप हो जाता है। हम किसी की मदद कर देते हैं, वो भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप, मैं यही सबसे, जितने भी हमारे कलाकार बंधु लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं किसी के प्रति,
उल्टा बोल रहे हैं, गाना गा रहे, गाली गा रहे हैं। सबके अपने व्यक्तिगत जीवन है, उसको जीने दीजिए। आप लोग अपनी व्यक्तिगत जीवन जिए, आप पे किसी का हक नहीं है। आपके ऊपर माँ बाप का हक है, बस उनका सेवा करिए, उनका कदर करिए। अपने जीवन में आपके माँ बाप से बढ़कर इस धरती पे एक भगवान भी नहीं है, क्योंकि जो माँ बाप जन्म देता है ना, वो भगवान के स्वरूप होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे भगवान हमारे माँ बाप हैं। और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलते जाइए, लेकिन अच्छे कर्म करके जाइए। मैं यही चाहूँगा, जो भी हमारे लिए गाना गाया है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। उस इंसान के गाली के तुल हूँ मैं, उसने मुझे गाली दिया, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ज़िंदगी में अगर मैं गाली की चिंता करता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और ना ही मैं यहाँ होता। तो गाली भी एक आशीर्वाद के स्वरूप होता है। अगर वो गाली देना नहीं छोड़ता है तो हम अच्छे काम करना क्यों छोड़ेंगे। और मैं किसी से बात नहीं किया हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कौन गाली दिया है। तो जब मुझे पता ही नहीं है कि कौन गाली दिया है, और उस इंसान के नाम तक मैं नहीं जानता कि कौन इंसान ने मुझे गाली दिया है, ठीक है। अगर मुझे गाली देकर भाई जो भी मुझे गाली दिया है और जो दे रहा है, अगर मुझे गाली देकर अगर आप स्टार बन सकते हैं, तो आइए मैं आपका कैसेट बनवा देता हूँ। आप उसमें सिर्फ खेसारी को गाली दीजिएगा, पैसा मैं लगाऊंगा अपने भाई के लिए, कि कम से कम एक भाई स्टार तो बन जाएगा यार। एक सामने बैठने वाला एक आदमी तो चाहिए ना मेरे, कि हाँ एक मेरा भाई है यार, मैंने ही पैसा लगाकर इस इंसान को अपने लिए गाली सुनवाया और मैं स्टार, ये स्टार बन गया। तो मेरे लिए वो काउंट नहीं करता कि आप मुझे कितना गाली देते हैं, जितना किसी एक ही ने मुझे गाली दिया है ना, लेकिन मुझे करोड़ों लोग प्यार करते हैं। तो एक की गाली की अगर मैं चिंता करके और मैं उसके पीछे भागूँ, उसको भला बुरा बोलूँ, उसको समझाने का काम करूँ, समझाने का काम मेरा नहीं है। हर क्योंकि मैं आपको पैदा नहीं किया हूँ, आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है। तो जीवन में जो लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं, किसी को गाली देकर नहीं पहुँचे हैं, अच्छे कर्म करके पहुँचे हैं, अपने माँ बाप की सेवा करके पहुँचे हैं। पब्लिक के दिल में जगह बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम बुरा करके किसी पब्लिक के दिल में जगह नहीं बना देते। मेरे लिए कौन क्या बोला है, किसकी क्या रिकॉर्डिंग है, प्लीज़ आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए। जो भी बोला है वो मेरा गार्जियन है, मेरा बड़ा भाई है। मुझे कोई इतराज़ नहीं है अपने बड़े भाई से, अपने गार्जियन से, उस इंसान से जिसको मैं भगवान की तरह पूजता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ। वो मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, जिसको मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ। तो वो मेरे लिए जो भी बोला है वो मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे लिए वो आशीर्वाद स्वरूप है। आप लोग बिल्कुल मत लड़िए, मैं चाहूँगा कि ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। सबकी अपनी मान मर्यादा है, प्रतिष्ठा है। मैं स्टार आप सब से ही हूँ, और आप सब मुझे ठीक है, कोई गाली दिया है मुझे, आप लड़ जाते हैं, मत लड़िए, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि गलत तरीका से अगर आगे बढ़ना होता ना, तो शायद आज राम इस धरती पे आज भी नहीं होते, रावण होता। क्योंकि रावण शायद राम से भी बड़ा था, विद्वान था, भगवान से भी बड़ा था। वो इतना भगवान का ही पूजा करके वो इतनी महारत हासिल किया था कि शायद उसको छू भगवान भी नहीं छू सकते थे। तो कहीं ना कहीं अगर गलत चीज़ों से बढ़ना होता तो आज इस धरती पे रावण होता, राम की पूजा नहीं होती, रावण की पूजा होती। तो ज़िंदगी में कोई गलत करके अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको हक है, उसको बढ़ने दीजिए। गलत तरीके की गलत चीज़ों की गलत ही नतीजा होता है। मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि मुझे किसने गाली दिया। मैं आपके गाली का सम्मान करता हूँ भाई, कि मुझे लगता है कि आप, मैं आपके नज़र में उसी के लायक हूँ। तो आप मुझे जी भर के गाली दे दीजिए, मुझे स्वीकार है। आपका कौन सपोर्ट कर रहा है वो भी मेरा अपना है, मेरा भाई है, मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है, वो जिसको देखकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, और मेरे लिए कोई जिला मायने नहीं रखता। और जो भी मेरी रिकॉर्डिंग गई है, जो भी मेरा मैं मेकरी किया है, कमाल का किया है, अच्छा टैलेंट है आपके अंदर, गुड, और करते रहिए मेरे लिए। मैं स्वीकारता हूँ आपके हर रिकॉर्डिंग के लिए, और मुझे उतना टाइम नहीं है कि मैं उस इंसान के पीछे भागूँ जिसके लिए मेरे जीवन में कोई अहमियत ही नहीं है। और जो अच्छा किसी दूसरे के लिए नहीं सोच सकता, वो अपने लिए कैसे सोच सकता है। जब वो मेरे बारे में उल्टा सीधा गा सकते हैं आप, और अपने जीवन को चलाने के लिए, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो जब आप अपने लिए किसी दूसरे के लिए अच्छे नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने जीवन को ऐसे चला सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे लिए गाए हैं आप, मुझे क्या बोले हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मैं क्या था, मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, ये मैं जानता हूँ, और मेरी पूरी पब्लिक जानती है मुझे। जी खेसारी लाल एक भैंस चराने वाला आदमी, एक गोबर उठाने वाला, एक दूध बोचने वाला, एक हाफ पैंट पहनकर 6 महीना तक गुजारने वाला आदमी हूँ मैं यार। मैं किसी की बुरा क्यों चाहूँगा, मेरे औकात नहीं है। और बॉम्बे शहर में सच में मेरी कोई औकात नहीं है भाई। बस आप लोगों के प्यार की सबसे बड़ी एक ताकत है मेरे पीछे, कि मैं बॉम्बे क्या, मैं बिहार में भी रहूँ ना, तो मैं साल के 12 से 14 फिल्म कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर वो गट्स है, जब मैं बॉम्बे छोड़ भी दूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि बिहार में जहाँ का हूँ मैं जहाँ जिस भाषा का हूँ उस भाषा के लोग मुझे प्यार यहाँ तक करते हैं, तो जिस हद तक मुझे लोग प्यार करते हैं, तो मैं इतना बड़ा हूँ कि शायद मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितना बड़ा हूँ। और मुझे बड़ा बनाने वाला आप सबका प्यार है, मेरे पब्लिक का प्यार है, यूपी बिहार के लोगों का एक सम्मान और आशीर्वाद है खेसारी लाल यादव के पीछे। तो मेरे पीछे जब आपका प्यार है तो मैं दुनिया के किसी कोने में अपना गुजारा कर सकता हूँ। आज भी मैं एक मेरा खोली छोटा सा मकान है उसी में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, और मैं अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता हूँ, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे जीवन की सबसे अनमोल चीज़ है। और कौन क्या है, किसके बीवी बच्चे हैं नहीं है, प्लीज़ आप लोग मत लड़िए, किसी के व्यक्तिगत चीज़ों को आप लोग मत उधेड़िए। सबके अपने जीने के तरीका होते हैं, शैली होता है, और उसको जीने का पूरा हक है, क्योंकि आप लोग ही खेसारी को बनाए हैं, हमारे बड़े भैया हमारे गार्जियन पवन सिंह जी को बनाए हैं, हमारे बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी को बनाए हैं, मनोज भैया को बनाए हैं, रवि भैया को बनाए हैं, आप लोग ही बनाने वाले हैं। और आप लोग जब लड़ेंगे, आप लोग आपस में विवाद करेंगे, तो हम सबका क्या होगा? आप लोग प्यार करने वाले लोग हैं, आप सबके शब्दों में एक मिठास होनी चाहिए। आप लोग स्टार बनाते हैं, आप लोग प्रधानमंत्री तक को बनाते हैं, आपके अंदर वो पावर है, तो आप लोग उस पावर को प्लीज़, मैं चाहूँगा कि गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करके, प्लीज़ मत करिए गलत शब्दों का इस्तेमाल, और ज़िंदगी में कुछ करना है तो अच्छे कर्म करके आइए। मैं सपोर्ट करूँगा आप सबके, मेरे पास भी जो भी होगा मैं अपने भाइयों के लिए करूँगा। मैं बॉम्बे में जितना जानता हूँ जितना हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा पावर है जो आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद है मेरे पीछे। और ज़िंदगी में मैंने आपके प्यार के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी, तो मैं शायद ये खेसारी लाल यादव जुबान देता है कि अपने पब्लिक के लिए अगर किसी दिन मुझे अपने सीने पर गोली भी खाना होगा, मुझे अपने आप को अगर सुसाइड भी करना होगा, तो मैं कर लूँगा आप सबके प्यार के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से कोई मुझे गाली दिया है ना, देने दीजिए उसको, उसको आप लोग खूब प्यार करिए, क्योंकि अगर गलत चीज़ों की बढ़ावा अगर दूसरा कोई देता है तो अच्छा नहीं लगता। और आप सब तो प्यारे लोग हैं, आप लोग मत लड़िए। मैं ज़िंदगी में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका भैंस चराने वाला खेसरिया, इस खेसरिया का अपील है कि प्लीज़ आप लोग किसी के माँ बहन को, किसी के भी घर परिवार को, किसी के भी व्यक्तिगत चीज़ों को आप लोग पर्दे पे ना लाएं। और कैसेट द्वारा जो भी कंपनी मालिक है, मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि सरकार को भी एक ऑडियो वीडियो का एक सेंसर होना चाहिए, यूट्यूब का एक सेंसर आप लोग बिहार रूपी में डालिए, डलवाइए, और कोई भी गाना कोई रिलीज करता है तो सबसे पहले उसको सुना जाए, सेंसर को दिखाया जाए, तब जाके रिलीज किया जाए। तो मैं ऐसे गंदे गाने आप लोग प्लीज़ मत सुनिए, चाहे वो खेसारी लाल यादव का हो, चाहे किसी भी स्टार का हो या किसी भी लोगों का हो, आप गंदे गानों का प्लीज़ विरोध करिए, चाहे वो कोई भी दुनिया का हो आदमी, उसको ज़रूर आप लोग उसके विपरीत जाइए और उसको सबक सिखाने का काम करिए। तो मैं ज़िंदगी में यही प्रार्थना करता हूँ आपसे, आजीवन प्रार्थना करूँगा कि इस खेसरिया को बस ऐसे ही प्यार करते रहिए, और जो मुझे गाली देता है उसको प्यार करिए आप लोग। मैं नहीं चाहूँगा जी आप लोग मेरे वजह से, इस खेसरिया की वजह से आप लोग किसी को गाली दें, किसी को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़ जिस सबके अपने विचार होते हैं, सबके अपने व्यवहार होते हैं, सबके अपने जीने के तरीके होते हैं, तो उनको जीने दीजिए। उसको अगर खुशी है आपको गाली दे देने में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई आदमी था जो डेली जाता था, और एक आदमी उसको प्रणाम करता था और बोलता था चल हट, वो एक गलत उसके माँ को गाली देकर उसको सम्मानित करता था। एक आदमी 10 दिन तक देखा और बोला जी यार आप उसको प्रणाम करते हो और आपके माँ को गाली देकर जाता है, तो उस इंसान का जवाब यही था कि जब वो अपना काम नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना काम क्यों छोड़ूं यार, जब वो मुझे गाली देना नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना प्रणाम करना क्यों छोड़ दूं, उसको सम्मान देना क्यों छोड़ दूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं सबकी सम्मान है, जो मुझे गाली दे रहे हैं उनकी भी सम्मान है, जो विरोध कर रहे हैं उनकी भी सम्मान है। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए, सबके अपने व्यक्तिगत जीवन है, उनको जीने का पूरा हक है, कौन कहाँ है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है, उसकी अपनी जीवन है, हम किसी का घर नहीं चलाते हैं और हमें समझाने का कोई हक नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग अपने जीवन में खुश रहें, और कलाकार का कोई जात नहीं होता, कोई जिला नहीं होता। और मैं आखिरी बार बता देना चाहता हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन इंसान मुझे गाली दिया है, मैं उसको जानता नहीं, ना उसका नंबर है मेरे पास, ना मैंने कभी बात की, ये पता नहीं कौन सा कैसे भी मैकरी करके ये चीज़ें हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग किसी मेरे वजह से किसी को गाली ना दें और किसी को बेइज्जत ना करें, किसी के माँ बहन को, किसी भी लड़की हो या लड़का हो, हमारे घर भी अपनी बेटियाँ हैं, हमारी भी अपनी माँ है, हमारी भी अपनी बहू है, तो हमारी भी अपनी प्रतिष्ठा है, तो उसी तरह हर आदमी का प्रतिष्ठा होता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार के समाज, जय उत्तर भारतीय, जय पूर्विया,
जितने भी भोजपुरी समाज के लोग हैं सबको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ अपना बातों को विराम देता हूँ, और इस खेसरिया को बहुत सारा प्यार दीजिए, अपने भाई को, अपने बेटा को, अपने भतीजा को, और ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रहिए। जय हिंद, जय भारत।